लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब की सूबाई काबीना से मुलाकात में अहम हिदायत की हैं। सौर ऊर्जा प्लान के अहदाफ की बरवक्त तकमील, बलदियाती निज़ाम में खामियां दूर करके नया निज़ाम लाने समेत ज़मीनी इलेक्शन में भरपूर अवामी मुहिम चलाने की हिदायत की गई है। इस हवाले से बात करेंगे, कज़ाफ़ी भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कज़ाफ़ी भट्ट, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। सईद हमारे साथ मौजूद हैं, सईद बताएगा इस हवाले से मजीद अपडेट। जी बिल्कुल खुदा, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़ेर सदारत जो है लाहौर में पंजाब की सूबाई काबीना का जो है वो इजलास हुआ और इजलास के अंदर बहुत से अहम फैसले भी किए गए। वज़ीर आज़म ने पंजाब काबीना को जो बलदियाती निज़ाम के नफाज और हाउसिंग प्रोग्राम पर इतमाद के हवाले से उनको इतमाद में लिया, जबकि उनका यही कहना था कि पीटीआई हुकूमत पुराने बलदियाती निज़ाम में जो है वो मौजूद जो खामी है उसको दूर करके जो है नया निज़ाम जो है वो लाएगी और बलदियाती निज़ाम का जो लाने का मकसद वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए है, ताकि मकामी लोगों के पास जो निचली सतह तक जो है वो इकतदार जो है वो चल जा सके। और काबीना के इजलास में उन्होंने लाहौर समेत पंजाब के दीगर इलाकों में जो जारी इंक्रोचमेंट के खिलाफ जो मिशन था उसको भी सराहा और तारीफ की। उनका ये कहना था कि उन अफराद को जो गरीब हैं और काफ़ी अरसे से छोटे सतह पर कारोबार कर रहे हैं उनको बिल्कुल मत चले और उनकी तजावजात के हवाले से जो एक मरतब प्लान है वो बाद में जो तरतीब दिया जाएगा। तक उनका ये भी कहना था कि कब्जा मालिक के खिलाफ जो डटकर खड़े होने का वक्त जो है आ चुका है और इस हवाले से वफाकी हुकूमत की तमाम तर इमदाद और उनका जो जितनी भी हेल्प है वो पंजाब हुकूमत को है वो जारी होगी। और यही कहना था कि मुल्क की सफाई और सरकारी मुहिम में जो है सूबाई हुकूमत भी है वो अपना भरपूर जो साथ दे और सरकारी इमारतों और जमीनों को जो मुफीद इस्तेमाल में लाने के लिए प्लान जो है मरतब करे। और